तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति संपदा, श्री का मतलब प्रेम संपदा से युक्त, श्री माने प्रेम, तो प्रेम की संपदा। किसकी, किससे प्रेम करने की संपदा? भगवान से प्रेम, संसार से तो प्रेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम यहाँ की वस्तु ही नहीं है, तो संसार से करेंगे क्या? प्रेम तो दिव्य वस्तु है, भगवान के धाम की चीज है, ये यहाँ की चीज है ही नहीं। यहाँ तो फालतू में लोग बोलते रहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करते, यहाँ की चीज ही नहीं है। कैसा होता है प्रेम, कौन बताएगा? अनिर्वचनीय, करेक्ट। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया कि प्रेम अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। जैसे हम तो प्रेम तो चलो दिव्य धाम की वस्तु है, उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, नारद जी नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? नारद जी ने कह दिया अनिर्वचनीय। यहाँ पे किसी ने कुछ डिश खाई, रसगुल्ला खाया, कैसा है? मीठा है। नहीं नहीं, स्वाद कैसा है? अरे बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा क्या कहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कैसा मीठा है, अब इसको डिफाइन करो ताकि हमको समझ में आ जाए। हमने कभी रसगुल्ला नहीं खाया तो हमको कैसे आप बताएंगे कि कैसा मीठा है? हमने मीठा ही नहीं खाया आज तक। मान लीजिए एक नीम के पेड़ का कीड़ा है, उसने केवल नीम कड़वी कड़वी खाई है, उसको कोई बता सकता है रसगुल्ला क्या होता है? एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। कंपैरिजन कर सकते हैं, उस हलवाई से अच्छा इसका है, ये कर सकते हैं बस, ज़्यादा ज़्यादा। कैसा है रसगुल्ला नहीं बता पा रहे हैं, प्रेम क्या बताएंगे? और जब बता नहीं पा रहे करें क्या, जानते ही नहीं हैं। हाँ, रसगुल्ला खा लो तो अनुभव कर सकते हैं, अनुभव हो गया। अब अनुभव हो गया इसका मतलब कि वचन से बता पाएंगे, ये गारंटी नहीं है। अनिर्वचनीय, जब यहाँ रसगुल्ला अनिर्वचनीय है तो दिव्य धाम का प्रेम कहाँ से वचनीय हो जाएगा? वो भी अनिर्वचनीय। हाँ, मूकम आस्वादनम वत, मूक आस्वादनम वत, जैसे गूंगा आस्वादन करे और कुछ बोल नहीं पाए। गूंगा क्या, हम कहते हैं विद्वान नहीं बोल पाएगा? किसी बड़े विद्वान को ले आओ, कोई रसगुल्ला डिफाइन करो, चलो कैसा होता है बताइए। बड़े बड़े पंडित को ले आओ तो प्रेम को कौन बता पाएगा? हाँ, प्रेम करो, अनुभव हो जाएगा। भगवान से प्रेम किया, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ प्रेम में होता क्या है आखिर, समझ में आ गया। प्रेम के लिए प्री रिक्विजिट है ये पूर्ण समर्पण, ठीक है? समर्पण के बिना तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। गीता में सबसे एक ही शिक्षा है बस, लास्ट में क्या है, शरण में आ जाओ, ठीक है, उसके बाद तो भागवत चालू होती है। तो अगर प्रेम ही पूर्ण समर्पण है तो फिर भागवत में क्या है? अगर शरणागति ही लक्ष्य है तो फिर भागवत में इतना गोपियों का प्रेम ये वो, फिर भी वर्णन कर रहे हैं भक्त लोग। जैसे हम लोग मीठा कह देते हैं, बहुत बढ़िया कह देते हैं, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी नहीं वर्णन कर पाते एग्जैक्ट। तो आप जब खुद करोगे एक्सपीरियंस होगा, और फिर क्या होगा? क्या कहा नाग पत्नियों ने, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है उसको, जिसको रज मिल जाती है उसको क्या, ये पहचान हो जाती है उस व्यक्ति की। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम, कुछ नहीं चाहेगा फिर, वो खत्म हो गई उसकी सब जगत की सब चाहत खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? उसने दिव्य रस का अनुभव, उत्तम रस का अनुभव कर लिया तो निकृष्ट रस छूट गया उसका। अब वो अनुभव एक्सप्लेन नहीं किया सकता है क्या अनुभव कर लिया उसने, इसलिए खुद अनुभव करो। तो गुरु क्या करते हैं, हम त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, उसमें क्या डाल दिया उन्होंने, भजनामृत डाल के पहले त्रिताप को ठंडा किया। त्रिताप ठंडा करने के बाद कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम दे करके और चरणों में भेज दिया, जाओ उनकी सेवा करो जाके प्रेम से।
तो श्री माने प्रेम संपदा से युक्त। प्रेम कौन दे सकता है? जिसके पास प्रेम संपदा हो तो गुरु के पास है, इसलिए उसको कहते हैं श्री गुरु, प्रेम संपदा से युक्त गुरु। ठीक, तो ऐसे श्री गुरु ही हमें वो श्री यानी कि प्रेम संपदा दे सकते हैं। जिसके पास श्री होगी वही तो श्री देगा, तो ये संपदा जिसके पास है वही है श्री गुरु।